हेलो माय टू फैमिली, जय देवी जय उत्तराखंड। तो आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग पे। तो जो मेरी यात्रा शुरू हुई है जगसुद्ध धाम टू अयोध्या, आज उसका चौथा दिन। कल रुके थे हम संतोष भाई के पास, जो कि मेरा क्लासमेट है। तो कल भाई के पास ही रुके थे, खाना पीना हो गया, अभी नाश्ता कर लिया हमने, और हम जा रहे हैं अब यहाँ काठगोदाम से आगे की तरफ। जय श्री राम, जय श्री राम। अभी मोहन भी कर रहे हैं अपनी साइकिल रेडी, और मैंने भी करनी है अपनी साइकिल रेडी। रेडी है, पैक है पूरी। हमने कुछ सामान निकाला नहीं था, जो जरूरत की चीजें थी वही निकाली थी। बस यहाँ से अब जल्दी निकलते हैं हल्द्वानी। तो यहाँ पे हम संतोष भाई को करेंगे बाय बाय, और हम चलेंगे आगे की तरफ। ओके भाई, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलो मुन्ना, रूम से निकलते ही कुछ बच्चे मिल गए हमें। जय श्री राम ब्रो, ये देखो फुल जोश के साथ। जय श्री राम, जय श्री राम। अभी हम पहुंच गए मेन जो यहाँ का रेलवे स्टेशन है काठगोदाम का, वहाँ पे, क्योंकि हम आए थे यहाँ गली से, और अब पहुंच गए मेन रोड पे। तो अपनी राइड हो गई स्टार्ट। ये देखो यहाँ का ट्रैफिक हल्द्वानी का। तो अभी हम काठगोदाम से करीब 4-5 किलोमीटर आगे पहुंच गए, और काफी ठंड है यार। इधर तो धूप ही नहीं निकल रही बिल्कुल भी। ये देखो आसमान में पूरे बादल छाए हैं, और कोहरा लगा हुआ है हल्का सा, और ठंड बेशुमार हो रही है। तो अभी हम जा रहे थे तो इन बच्चों ने हमें रोक लिया, और रोक के पूछने लगे भैया कहाँ जा रहे हैं। जय श्री राम भाई। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं साइकिल स्टोर पे। कोई जान पहचान वाले ही भैया हैं, राहुल भाई, तो उनकी शॉप पे पहुंच गए हैं। और मुझे भी पीछे का टायर अगर मिले तो चेंज करवाना है, क्योंकि वो काफ़ी घिस चुका है। तो अभी हम रुके थे एक साइकिल स्टोर पे, मोंदा ने अपने टायर चेंज करवाए, आगे का टायर चेंज किया और ब्रेक लीवर चेंज किया, और अब निकलेंगे हम आगे की तरफ। इकरा के अपनी निकल चुके हैं हल्द्वानी की गलियों में, किसी दोस्त के घर जा रहे हैं, वहीं खाना खा के अपना निकलेंगे आगे की तरफ। ऐसी गलियों में जा रहे हैं अभी हम। यहाँ मिल चुके हमारे दानु भाई। यार एक बैठ भी दे दो यार, हमें गले मिल दो जरा। ये दानु भाई वेट कर रहे थे यहीं पे हल्द्वानी वो। और यहाँ पे चल रहा है अपना खाना, और ये हरीश भैया हैं, इन्होंने ही खाने का अरेंज करवा रखा है। ये देखो भैया बना रहे अभी रोटी। खाना खा के हम निकल रहे हैं अपनी यात्रा के लिए, और हम रुके थे रजत भाई के उधर शिवनाथ लाइब्रेरी पे। कुछ बताएंगे दीनू भाई थोड़ा है। ये यहाँ पे 24/7 है लाइब्रेरी का। अच्छा, इसके ऊपर कैंटीन है, इसके पीछे बैकयार्ड में ग्राउंड भी है, जहाँ पे थैंक यू। और ये है लाइब्रेरी रजत भाई की, और इन्होंने ही खाने के लिए होस्ट किया था हमें, और ये अपने दानु भाई। तो रजत भाई के घर से हम निकल गए हैं, अभी अपने को काला ढूंगी वाली रोड पे जाना है, जहाँ से हम आए थे वही वापस जाना है फिलहाल। तो अभी हम गोला पार वाली रोड पे जा रहे हैं, मतलब हल्द्वानी से गोला पार मिलेगी जो। तो यहाँ पे इतना क्राउड है ना, हमें पैदल ले जाना पड़ रहा है यार साइकिल आज पे। जय श्री राम, ये देखो। तो अभी हमने रेलवे फाटक क्रॉस किया है, और गोला पार वाली। जय जय श्री राम भाई, जय श्री राम, जय श्री राम। तो अभी हमने रेलवे फाटक पार किया, और अभी हम गोला पार वाली रोड पे पहुंचने वाले हैं, बस चले हैं, अंधेरा भी होने वाला है जल्दी। जय जय श्री राम। अभी मैं चल रहा हूँ फिलहाल गोला पुल पे। ये देखो गोला नदी, ये और ये गोला का पुल है, तो इसे हम अभी क्रॉस कर रहे हैं। एक साथी हमारा आगे चले गया है थोड़ा, मोहनदा और मैं चले हैं साथ में। ये होने वाली है, तो ज़्यादा आगे जाएंगे नहीं, क्योंकि आगे को चोरगलिया साइड पूरा जंगली जंगल है, वाइल्ड लाइफ एरिया है, और ये ग्राउंड है। तो हम सोच रहे कि यहीं पे आज कैंपिंग करें।
तो आज की यात्रा यहीं पे समाप्त होती है और हमें मिल गई एक प्यारी सी लोकेशन। आज हमने ज्यादा राइड की नहीं क्योंकि हमने अपनी साइकिलें करवाई। ठीक राहुल भाई जी, लोकेशन कैसी है? लोकेशन बस उतारते हैं सामान, देखते हैं फिर टेंट लगा के। ओके मोंदा, लोकेशन के बारे में है। मेरे को तो ये फील्ड देख के ही मैंने कहा आज रात यहीं बितानी है। हाँ। ऐसी जगह मिलना ना मुश्किल, आसान नहीं है। बहुत प्यारी लोकेशन है, तो दिखाते हैं आपको लोकेशन। ये रही लोकेशन, पूरा फील्ड है, हम यहीं पे कैंपिंग करेंगे। तो यहाँ पे मोहंदा लगा रहे हैं अपना टेंट। ये देखो ऐसे लगाया जाता है टेंट कैंप करने के लिए। ये देखो ये इसलिए ठोक रहे नीचे ताकि टेंट उड़े ना, क्योंकि ये हल्का होता है ना, तो इसे कीले जमीन में गाड़नी पड़ती है। ये है अपनी कैंप साइट, आज की बेस्ट सी लोकेशन। और ये है राहुल भाई का टेंट, राहुल भाई भी लगे पड़े हैं टेंट लगाने में। और हमने साइकिलें यहाँ पे खड़ी कर रखी है, अभी इनमें से सामान नहीं निकाला, पैनियर बैग, स्लीपिंग बैग। ये अभी थोड़ी देर में पहले टेंट लग जाए उसके बाद निकालते हैं सामान और फिर करते हैं रेस्ट। खाना अभी हम खा के ही आए हैं। तो अभी मोहंदा उतारे सामान साइकिलों से, टेंट लग चुका है हमारा, अब सामान उतारते हैं और करते हैं रेस्ट। ये अब बिछाएंगे मोहंदा मैट्रेस, पहले करते हैं कैंपिंग के अंदर लाइट। हाँ लाइट जरूरी है। उजाला रहेगा तभी बिछेगा मैट्रेस। ये लग चुका है हमारा टेंट और रासा भाई टेंट लगाने में लगे हुए हैं। मेरे भी लगी है। और मनोज भाई साइकिल से सामान खोलने में लगे हुए हैं। मनोज भाई ने मैट्रेस उतार दी अपनी, अब लगा रहे हैं टेंट के अंदर अपनी मैट्रेस को सेट कर रहे हैं। रासा भाई तो आराम भी करने लग गए अंदर। हाँ अंदर भी रख सकता है, यहाँ पर भी रख सकता है। तो आज की जो यात्रा है, हम हल्द्वानी से करीब चोरगलिया के आसपास बीच में रुके हैं और हमने यहीं पे कैंप लगा रखे क्योंकि अंधेरा हो गया था। बीच में हम 3-4 घंटे साइकिल सौंप के थे क्योंकि साइकिलें ठीक करवाई तो इसलिए लेट हो गई थी, तो इसलिए हमने सोचा ज़्यादा अंधेरे में ना चलाते हुए यहाँ पे हमें एक अच्छी लोकेशन मिली तो हमने यहीं पे कैंप कर लिया। तो जय श्री राम। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और जैसे यार शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं नई सुबह के साथ एक नई वीडियो के साथ।